ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का 2 दिन का भारत दौरा अब लगभग खत्म होने को आ गया है। ब्रिटेन की तरफ से बोरिस जॉनसन की इस भारत यात्रा को बहुत ही सक्सेसफुल करार दिया गया है। बोरिस जॉनसन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए ब्रिटेन की तरफ से समर्थन का भी ऐलान किया और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री के लिए सपोर्ट भी ऑफर किया। इसके साथ ही ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन जब प्रेस के सामने आए तो उन्होंने रशिया यूक्रेन का मुद्दा भी उठाया और रशिया की कड़ी आलोचना की। वहीं भारत के लिए उन्होंने कहा कि इंडिया इस पूरे मुद्दे के ऊपर अपनी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला है, यानी भारत रशिया यूक्रेन मसले के ऊपर अपना न्यूट्रल स्टैंड ही रखने वाला है। इसके साथ ही बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो भारत के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं और इस साल के अक्टूबर महीने में दिवाली से पहले पहले भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। इसके साथ उन्होंने और भी कई सारी बातें बोली, लेकिन बोरिस जॉनसन की इस विजिट के दौरान एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में शायद आप में से कई लोगों को पता ना हो। दरअसल ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को गुजरात में गांधीनगर से वडोदरा के पास हलोल में स्थित जेसीबी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा करना था। इसके लिए भारत ने पीएम बोरिस जॉनसन के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर्स असाइन करके रखे थे। गांधीनगर से वडोदरा तक जाने में Mi-17 हेलीकॉप्टर में कुल 20 मिनट लगने थे और 20 मिनट वापस आने में लगने थे। कहने का मतलब है कि ये बेहद छोटी सी फ्लाइट होने वाली थी जिसको इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स द्वारा कंडक्ट किया जाना था। आप में से शायद कई सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होगी कि भारत के जो Mi-17 है वो एक रशियन बिल्ड हेलीकॉप्टर है जो भारत ने रशिया से परचेज किए थे। ऐसे में ब्रिटिश पीएम की भारत विजिट से कुछ ही घंटों पहले एक ब्रिटिश टीम जो कोऑर्डिनेशन के लिए भारत आई थी उसने अहम मौके पर Mi-17 हेलीकॉप्टर के ऊपर क्लियरेंस नहीं दी और भारत से कहा कि भारत को ये प्लान चेंज करना होगा क्योंकि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन इस रशियन हेलीकॉप्टर में बिल्कुल नहीं बैठेंगे। उसके अलावा भारत उनको बाय रोड क्यों ना ले जाए, लेकिन वो रशियन बिल्ट हेलीकॉप्टर में एक पैर भी नहीं रखेंगे। ब्रिटेन का तो चलो रशिया के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। तकरीबन एक हफ्ते पहले रशिया ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और कई सारे सीनियर ब्रिटिश मिनिस्टर्स की रशिया में एंट्री के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। लेकिन भारत की भी रशियन Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के साथ थोड़ी बुरी यादें जुड़ी हैं क्योंकि हमारे पहले CDS बिपिन रावत जी जब वीरगति को प्राप्त हुए थे तब वो इसी Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में फ्लाई कर रहे थे कि तो भारत भी कुछ नहीं कर सका, जिसके बाद मजबूरन भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने रातों रात सारा प्लान चेंज किया। सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण बोरिस जॉनसन को गांधीनगर से लेकर वडोदरा तक बाय रोड ले जाने का ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं था, इसलिए भारत ने ब्रिटेन को प्रपोज किए अमेरिका से परचेज किए गए चिनूक हेलीकॉप्टर्स, जिसके ऊपर ब्रिटेन ने भी हामी भर दी। गुजरात में तो भारतीय सेना ने एक भी चिनूक हेलीकॉप्टर डिप्लॉय करके नहीं रखा हुआ है। ऐसे में जैसे ब्रिटेन की तरफ से चिनूक हेलीकॉप्टर्स के ऊपर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, भारतीय सेना ने चंडीगढ़ में स्थित इंडियन एयरफोर्स के बेस से एक चिनूक हेलीकॉप्टर गुजरात के लिए भेज दिया, जिसको चंडीगढ़ से गुजरात पहुंचने में कुल 6 घंटे तक का समय लगा। ये चिनूक हेलीकॉप्टर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के भारत में लैंड होने से कुछ ही घंटों पहले पिछले दिन गुजरात पहुंचा था। अगले दिन बोरिस जॉनसन इसी चिनूक हेलीकॉप्टर में गुजरात के गांधीनगर से वडोदरा के पास स्थित जेसीबी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा करने गए थे और इसी चिनूक हेलीकॉप्टर में वापस आए थे। अब क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का मामला था, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या ब्रिटेन का भारत के सामने एंड मौके के ऊपर हेलीकॉप्टर चेंज करने की डिमांड रखना बिल्कुल सही था, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।